नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूँ शरद बाघेला। एक्सप्रेस स्पेशल में हम बात करते हैं उन खबरों की जिसका कहीं ना कहीं सरोकार आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है। बात करते हैं सबसे पहले कवर्धा की, जहां पर डायरिया ने अपने पैर पसार लिए हैं। ताजा मामला ब्लॉक मुख्यालय के करीब 28 किलोमीटर दूर ग्राम गेनपुर की वसायत का है, जहां पर हैंडपंप का बैक्टीरिया युक्त पानी पीने से डायरिया फैल रहा है। गांव में 25 से ज्यादा लोग डायरिया से बीमार हैं। इनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरीजों को सामुदायिक अस्पताल लोहारा और खान खम्हारिया में भर्ती कराया गया है। दूषित पानी से डायरिया फैलने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आनंद फरम में गांव में हेल्थ कैंप लगवाया गया, घर घर सर्वे कर पीड़ितों की पहचान की गई है। साथ ही घरों में क्लोरीन की दवाएं भी बांटी जा रही है। उसमें दो हैंड पंप है, जो घुरुआ है उसी में किनारे हैं, उसी का पानी पिए हैं। कोई इन्फेक्टेड है तो आसपास जो 4-5 है घर है उन्हीं लोगों के इन्फेक्शन है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। लेकिन और जो बिगड़ा हुआ पेंट पानी पिए ये पिए उनको कोई खास नहीं हुआ, ठीक है, बिगड़ा है कोई बात नहीं। लेकिन घुरुआ का पानी इन्फेक्शन के अंदर से गया है उसे कहाँ हुआ, उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ। 7-8 लोग हैं मेरे पास, उसमें से सभी आज की डेट में सुबह में लगाया था फोन तो सब नॉर्मल है। हमारे साथ कवर्धा से प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं, स्वराज संवाददाता। प्रदीप, स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है, मरीज बढ़ रहे हैं, हैंडपंप से दूषित पानी निकल रहा है, उससे डायरिया हो रहा है, तो क्या कुछ विभाग द्वारा एक्शन लिया गया अब तक? इस तरह बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लोहारा ब्लॉक के अंतर्गत जो गैनपुर गाँव है वहाँ जो है 2 दर्जन से ज्यादा डायरिया के प्रकोप में लोग बीमार पड़े हुए हैं। एक हफ्ता से ये लोग बीमार हैं। उसके बाद जो वहाँ जो है कल जाकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाए हैं, वो वहाँ जो है लोगों को जो है स्वास्थ्य प्रशिक्षण चल रहा है। फिलहाल जो है अभी स्थिति जो है सही बताया जा रहा है, और 2 लोगों को जो है लोहारा सामुदायिक केंद्र में और 2 लोगों को जो है खान कमरिया में एडमिट कराया गया है। और ये सबसे बड़ी लापरवाही ये कहा जा सकता है, जब एक हफ्ते से लोग वहाँ बीमार हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को कोई मतलब जानकारी नहीं है, और वहाँ के जो पीएचसी विभाग है वो लगातार हर बार जो है हर वर्ष जो वहाँ के जो ग्रामीण है डायरिया के प्रकोप में आते हैं। कहीं ना कहीं एक शासन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जुड़ चुके हैं, एसके तिवारी जी। तिवारी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। एसके तिवारी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, जिस तरह एक हम खबर दिखा रहे हैं कवर्धा में, जहां पर हैंडपंप के पानी से जो दूषित पानी निकल रहा है और उसके कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो कितना क्या गंभीर नजर आ रहा है स्वास्थ्य महकमा, क्योंकि उस पानी से पीने से डायरिया जैसी बीमारी फैली, कितने ऐसे मामले आ चुके हैं डायरिया से? 14 तारीख को विजिट किया था उस गाँव में ऐसे प्रकाशन के लिए, उसके बाद फिर कल भी गया था, खुद स्वयं गया था जी। और वहाँ 11 लोग पीड़ित थे 3 दिन के अंदर, और माइल डाल गया था 2 बार 3 बार जी जी। उसको पता लगाया कि कैसा है करके, तो वहाँ आजूबाजू घुरुआ है जी, घुरुआ का इन्फेक्शन पूरा घर में आजूबाजू बच्चे पैर वो पूरा फैला हुआ था जी। पूरी दूरी में पानी ठीक है, पूरी की खराबी नहीं है, एहतियात के तौर से अपन चोरी टेबलेट साफ पानी और ब्लीचिंग पाउडर का सब सफाई किए, घुरुआ से इन्फेक्शन जो फैला है पीने के पानी में खाद्य पदार्थ जी। तो सर क्या माना जाए, जिस तरह हम यदि डायरिया फैलने की बात करें तो उसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा क्या कुछ कर रहा है, और यदि इस तरह की बात की जाए कि एक तो डायरिया फैल रहा है और साथ में हैंडपंप का दूषित पानी आ रहा है, तो क्या उस हैंडपंप के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी वहाँ पर है जिसके कारण वो दूषित पानी पीने से लोग वहाँ के बच सके? हैंडपंप के दूषित पानी नहीं था, वो घुरुआ में इन्फेक्शन था, गंदगी है, उसी के आजू बाजू घर बना हुआ है, उससे इन्फेक्शन का जो है डायरिया फैला हुआ है। वो भी केवल 11 लोगों था, अब आज की स्थिति में सभी नॉर्मल है। कल मैं खुद गया था, एक पेशेंट को केवल एक दो बार हुआ था, इतना सब बिल्कुल नॉर्मल है। और इतिहास के तौर पे पूरा सब टीम लगा दी है, 3 दिन से वहाँ टीम काम कर रहे, कम्बेट टीम जी सर, उसमें पीएमओ भी दौरा किया, RMA भी, मेडिकल ऑफिसर सब, और 11 आदमी के ड्यूटी लगा दी इतिहास के तौर पर, ऐसे कोई फैले तत्काल सूचना नहीं, आपके नेतृत्व में सारा काम कर दिया गया और लोगों को भी एहतियातन तौर पर क्लोरीन की दवाई बांट दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे इस जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता भी जुड़े थे। प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।